दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि YouTube Studio ऐप में अपना दूसरा YouTube चैनल कैसे लॉगिन करें। अगर आप भी YouTube Studio ऐप में अपना दूसरा YouTube चैनल लॉगिन करना चाहते हो लेकिन आपको YouTube Studio ऐप में दूसरा YouTube चैनल लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार YouTube Studio ऐप में अपना दूसरा YouTube चैनल लॉगिन कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल वाला आइकन है उसको दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले अपने वाइट स्टूडियो ऐप में जाना है। तो चलिए मैं अपना वाइट स्टूडियो ऐप ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप अपना वाइट स्टूडियो ऐप ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने YouTube चैनल का लोगो दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और दोस्तों आपको यहाँ पर अपने चैनल के नाम के आगे एक टिक वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपने YouTube पर जितने भी चैनल बनाए हैं वो सभी चैनल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस चैनल को YT Studio ऐप में लॉगिन करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों जैसे मैं इस चैनल को YT Studio ऐप में लॉगिन करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आप जिस भी चैनल को लॉगिन करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों YouTube Studio ऐप में आपका चैनल लॉगिन हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो कि मेरा दूसरा YouTube चैनल YT Studio ऐप में लॉगिन हो चुका है। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार YouTube Studio ऐप में अपना कोई भी YouTube चैनल लॉगिन कर सकते हो।